بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। आप सब अपनी अपनी कॉपियाँ खोल लें। क्या आपने अपनी कॉपियाँ खोल ली? प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सवाल नंबर 3 किया था, आज हम इस सबक का सवाल नंबर 4 करेंगे। सबसे ऊपर आप पहले तारीख यानी कि डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे, उनवान। उनवान क्या है हमारा? कुरान मजीद। सवाल नंबर 4, क्या कुरान मजीद के बाद कोई किताब नाजिल होगी? प्यारे बच्चों, क्या कुरान मजीद के बाद कोई किताब नाजिल होगी या आएगी? जवाब नहीं, कुरान मजीद के बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। प्यारे बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद के बाद कोई किताब नहीं आएगी। कुरान मजीद क़यामत तक के लिए तक आखिरी किताब है। ये था हमारा आज का सबक। आप लोगों ने इस सवाल को अपनी अपनी कॉपियों पर लिखना है और जुबानी याद करना है। अब हम इंशाल्लाह कल अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।